मैं शुरू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गॉसिप में। प्रियंका और अंकित की जर्नी को एक बार फिर से एक गाने के जरिए किया गया है रिक्रिएट, जो कि ग्रैंड फिनाले के मौके पे आप लोग देखने वाले हैं। क्या उतार चढ़ाव हुए थे, क्या इनके दिलों में चल रहा था, चलिए आप लोगों को बताते हैं। गाने के जरिए प्रियंका और अंकित ये सब चीजें जो है जनता को बताते हुए नजर आएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रियंका जो है बहुत ज्यादा चीजें बोल पड़ती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो गलत बोलती हैं, पर वो चुप नहीं रह सकती इसीलिए बोल देती हैं। अपने दिल में दिमाग में कोई चीज रखती नहीं है, जो भी होता है वो मुंह पे होता है, सामने होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काफी सारी चीजें वो बोल पाते नहीं है, और वो बोलते नहीं है, दिल में रख लेते हैं। और कहीं ना कहीं अंकित भी जो है ऐसे थे कि वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे। इस सब चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है, इस केमिस्ट्री के कारण काफी सारी लड़ाइयां घर में हुई, काफी सारे प्यार के मोमेंट्स भी हम लोगों ने देखे। तो ये इसी चीज को जो है रिक्रिएट करते हुए नजर आए प्रियंका और अंकित, जहां पर घर के डाइनिंग टेबल पे वो हमेशा बैठ के खाना खाते थे, बातें करते थे, उसको इस गाने में जो है डाला गया है। बाहर आके जो है काफी ज्यादा मस्ती करते थे, बेड पे लेटे रहते थे, बातचीत करते थे, उसको इस गाने में डाला, एक अलग तरीके से डाला गया है। और इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, इस गाने के ऊपर जो है प्रियंका और अंकित डांस करते हुए नजर आ रही हैं, और काफी सारी चीजें, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रही है अंकित। प्रियंका जो है चाय भी लेके आके दे रही है, जो कि आप लोग नॉर्मल एक्चुअली में एपिसोड में देख चुके हैं, ऐसी मोमेंट्स देख चुके हैं। इसको रिक्रिएट करते हुए नजर आए एक गाने में, बहुत ही प्यारा सा ये गाना है, बहुत ही प्यारा सा ये थीम बना है इन दोनों का, जिसको देखने के लिए भाई मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि प्रियंका और अंकित की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद की जाती है, और मुझे भी इन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद है। पर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इन दोनों की केमिस्ट्री को एक बार फिर से देखने के लिए, इस रिक्रिएशन को देखने के लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।